दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने अभी तक 8 मुकाबले खेले हैं और सभी मुकाबलों में भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत मिली है। आपको बता दें कि अब वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया का नौवां मुकाबला 12 नवंबर को नीदरलैंड के खिलाफ दोपहर के 2 बजे से चेन्नई के चेपोक्के स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है, जिसे देखकर नीदरलैंड के कप्तान समेत पूरी नीदरलैंड की टीम को अभी से हारने का डर सताने लगा है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सुमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर करके ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है, जिन्हें देखकर पूरी नीदरलैंड की टीम अभी से सदमे में आ गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कई फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर करके शानदार खिलाड़ियों की एंट्री कराई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और नीदरलैंड के बीच में होने वाले इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री कराई है और कौन कौन से फ्लॉप खिलाड़ियों की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है, और दोस्तों नीदरलैंड के खिलाफ कैसी होने वाली है भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11, दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नीदरलैंड के खिलाफ अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ओपनिंग बैटल की बात करें, यानी कि ओपनर बल्लेबाजों की बात करें, तो यहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग जोड़ी में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में कप्तान रोहित शर्मा के साथ में सुमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे, और दोस्तों आपको बता दें कि सुमन गिल इस समय काफी खतरनाक फॉर्म में भी चल रहे हैं। सुमन गिल ने पूरे वर्ल्ड कप में कप्तान रोहित शर्मा के साथ में मिलकर भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन किया है और समय समय पर टीम इंडिया के लिए रन बनाए हैं। आपको बता दें कि अब कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सुमन गिल को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर करके यहां पर ईशान किशन को ओपनिंग जोड़ी में शामिल किया है। आपको बता दें कि ओपनिंग जोड़ी में अभी तक ईशान किशन को पूरे वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब ईशान किशन नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम अभी तक सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन दोस्तों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाने से पहले अब भारतीय टीम का एक मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ 12 नवंबर को होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले के हारने और जीतने से टीम इंडिया के लिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने यहां पर पहले नंबर पर यानी कि ओपनिंग जोड़ी में सुमन गिल की जगह पर ईशान किशन को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर यहां पर कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर अभी तक भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में विराट कोहली खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, और दोस्तों यहाँ पर अब किसे विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। विराट कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन किया है। विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, और विराट ने पूरे वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा शानदार बल्लेबाजी करी है और टीम इंडिया के लिए समय समय पर मैच भी जिताए हैं। ऐसे में दोस्तों यहां पर तीसरे नंबर पर कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होगा, और तीसरे नंबर पर एक बार फिर से विराट कोहली भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पर अभी तक भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर करके नीदरलैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर की जगह पर यहां पर सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन दोस्तों अब श्रेयस अय्यर को नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है, और श्रेयस अय्यर की जगह पर यहां पर सूर्यकुमार यादव को चौथे नंबर पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है। सूर्यकुमार यादव इस समय T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि सूर्या अभी वनडे फॉर्मेट में भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और समय मिलने पर टीम इंडिया के लिए रन बना रहे हैं, इसलिए दोस्तों चौथे नंबर पर यहां पर सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें पांचवें नंबर की, तो पांचवें नंबर पर यहां पर केएल राहुल भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। केएल राहुल ने पूरे वर्ल्ड कप में काफी कमाल का प्रदर्शन किया है और टीम इंडिया के लिए समय समय पर रन बनाए हैं और कई मैच भी जिताए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि केएल राहुल इस समय बेहतरीन फॉर्म में
में चल रहे हैं और लगातार भारतीय टीम के लिए पाँचवें नंबर पर खेलते हुए रन बना रहे हैं। इसलिए दोस्तों पाँचवें नंबर पर एक बार फिर से केएल राहुल भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 12 नवंबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और वहीं पर दोस्तों अगर छठवें नंबर की बात करें तो छठवें नंबर पर यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि छठवें नंबर पर अभी तक भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सूर्यकुमार यादव खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोस्तों अब बड़ी खबर ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में वापस होने वाले हैं और हार्दिक पांड्या इस समय पूरी तरह से फिट हो गए हैं। हार्दिक बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से बाहर हो गए थे, क्योंकि उस समय हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे। इस वजह से हार्दिक पांड्या बीच के कुछ मुकाबले नहीं खेल पाए थे, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नीदरलैंड के खिलाफ वापसी करने वाले हैं और एक बार फिर से छठवें नंबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हार्दिक ने अभी तक वर्ल्ड कप में जितने भी मुकाबले खेले हैं उन सभी मुकाबलों में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी से काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या को अभी तक बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। दोस्तों अगर बात करें सातवें नंबर की तो सातवें नंबर पर यहाँ पर रविंद्र जडेजा भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रविंद्र जडेजा ने पूरे वर्ल्ड कप में गेंदबाजी और बल्लेबाजी से दोनों ही छोरों से कमाल का प्रदर्शन किया है और टीम इंडिया के लिए मैच भी जिताए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट चटकाए थे और साउथ अफ्रीका की आधी टीम को पवेलियन की ओर वापस भेज दिया था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सातवें नंबर पर एक बार फिर से रविंद्र जडेजा नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर अगर बात करें आठवें नंबर की तो आठवें नंबर पर यहां पर कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होगा और आठवें नंबर पर एक बार फिर से मोहम्मद शमी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले 4 मुकाबलों में मोहम्मद शमी को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब मोहम्मद शमी को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला तो मोहम्मद शमी ने पिछले 3 मुकाबलों में 14 विकेट चटकाकर दुनिया को हैरान कर दिया। मोहम्मद शमी इस समय काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं और इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और पिछले मुकाबले में भी मोहम्मद शमी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। ऐसे में दोस्तों मोहम्मद शमी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बार फिर से 8वें नंबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बात करें 9वें और 10वें नंबर की तो 9वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और 10वें नंबर पर यहां पर कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। यहां पर मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी करते हैं, वहीं पर कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को धाराशाही कर देते हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने एशिया कप में काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया था और उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं और टीम इंडिया के लिए समय समय पर विकेट निकाल कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज हैं और किसी भी समय टीम इंडिया के लिए विकेट निकाल कर दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों 9वें और 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव भारतीय टीम की 11 में नीदरलैंड के खिलाफ 12 नवंबर को खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें 11वें नंबर की तो 11वें नंबर पर यहां पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बुमराह ने पूरे वर्ल्ड कप में काफी कमाल का प्रदर्शन किया है और बुमराह ने अपनी यॉर्कर गेंदों से बड़े बड़े बल्लेबाजों को धराशाही किया है। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह शुरू के ओवरों में काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, वहीं पर आखिरी के यानी कि डेथ ओवरों में जसप्रीत बुमराह इतनी खतरनाक यॉर्कर गेंदें फेंकते हैं जिससे किसी भी बल्लेबाज को रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह आखिरी के और शुरू के ओवरों में काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हैं और जसप्रीत बुमराह शुरू के ओवरों में टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का दम रखते हैं। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि 11वें नंबर पर यहां पर नीदरलैंड के खिलाफ भी जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है और गेंदबाजों और बल्लेबाजों समेत पूरी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में चल रही है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की इतनी खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने नीदरलैंड की टीम सरवाइव कर पाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।